नमस्कार, सभी आंगनवाड़ी सेविका बहनों का स्वागत है पोषण ट्रैकर ऐप की एक नई अपडेट में। तो बहनों, पोषण ट्रैकर ऐप में एक नया अपडेट आया हुआ है 19.8। तो इस अपडेट के बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी बताएंगे कि ये जो 19.8 की अपडेट आई है, इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। जैसे कि इस प्रकार की जो अपडेट है वो काफ़ी दिनों के बाद आई है और लगभग इसमें 6 अपडेट आई है और इसमें से जो 4 महत्वपूर्ण अपडेट है वो आप लोगों को जानना बेहद ही ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है कि पोषण ट्रैकर ऐप को अपडेट कर लेना है। तो चलिए यहाँ से हम प्ले स्टोर को ओपन कर लेते हैं। प्ले स्टोर ओपन जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि पोषण ट्रैकर ऐप में एक न्यू अपडेट यहाँ पर शो होने लगी है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को करना क्या है, सिंपली इस अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको पोषण ट्रैकर ऐप को अपडेट कर लेना है। चलिए इसको हम अपडेट कर लेते हैं। तो देख पा रहे हैं कि पोषण ट्रैकर ऐप जो है वो अपडेट हो चुका है। ठीक है, और इसको हम यहाँ से फिर से ओपन करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इसमें जो महत्वपूर्ण बदलाव है वो क्या क्या किए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं 1 से लेकर 6 तक अपडेट आई है और यहाँ पे फर्स्ट अपडेट आप लोगों को देखने को मिलेगा, ग्रोथ हिस्ट्री इज इंक्लूडेड फॉर ऑल चिल्ड्रंस कैटेगरीज। यानी कि आप लोग पोषण ट्रैकर ऐप में जो ग्रोथ मॉनिटरिंग करते हैं उसमें जो बच्चों की कैटेगरी है उसमें कुछ ऐड किया गया है, वो चीज़ें आपको आगे दिखाएंगे। फिर उसके बाद दूसरा, एम्पियर डिटेल्स डाटा इज प्रोवाइडेड इन टेबुलर फॉर्मेट। तो एम्पियर डाटा में भी आप लोगों को कुछ चेंजेस किए गए हैं। तीसरा अपडेट है, AWW कैन टेक फोटो ऑफ दायर सेंटर्स ड्यूरिंग देयर एक्टिविटी। यानी कि तीसरा अपडेट जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि पोषण ट्रैकर ऐप में जब आप काम करेंगे और जो भी एक्टिविटी करेंगे उसकी फ़ोटो आप लोगों को अपलोड करनी होगी। ठीक है, चौथा अपडेट है आपका, लैक्टेटिंग मदर एंड 0 to 6 month चिल्ड्रेंस एडिशन हैज़ बीन रिस्ट्रिक्टेड मैक्सिमम अप टू 177। यानी कि जो धात्री माता हैं और जो 0 से 6 माह के बच्चे हैं जिसको हम लोग ऐड करते हैं, उसमें आपको ऐड करने के लिए कुछ कंडीशन दिया गया है। जैसे कि 177 दिन के अंदर उनका जो डिलीवरी डेट है या डेट ऑफ बर्थ है उसको ऐड करना है। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको पोषण ट्रैकर ऐप पे चल के दिखाएंगे किस प्रकार से ये डाटा आप लोगों का काम करेगा, यानी किस प्रकार से आप लोगों को पोषण ट्रैकर ऐप पे काम करना है। ठीक है, उसके बाद और पांचवा और छठा अपडेट जो है वो माइनर बग फिक्सेस और ऐप ऑप्टिमाइजेशन। तो इसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि हर अपडेट के साथ ये अपडेट आती है और इस अपडेट से हमें कोई मतलब नहीं रहता है। तो चलिए चारों अपडेट के बारे में आपको पोषण ट्रैकर ऐप पे लेके चलते हैं और वहाँ पे पूरी डिटेल्स में समझाते हैं किस प्रकार से अब आप लोगों को आगे काम करना है। नीचे यहाँ पे देख पाएंगे वर्जन जो है 19.8 24 नवंबर को ये अपडेट आया हुआ है। तो सभी सेविका बहनें क्या करेंगी, इस पोषण ट्रैकर ऐप का जो ये अपडेट आया है इसको अपडेट ज़रूर कर लेंगी। चलिए यहाँ से हम अपडेट कर लिए हैं, अब इसको ओपन कर लेते हैं। तो देख पा रहे हैं कि पोषण ट्रैकर ऐप को अपडेट करने के बाद कुछ इस प्रकार से आप लोगों का पोषण ट्रैकर ऐप अपडेट होकर आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग पहले अपडेट की ओर बढ़ेंगे। पहला अपडेट जो है वो आप लोगों का ग्रोथ मॉनिटरिंग से रिलेटेड है। तो चलिए पहले अपडेट की ओर बढ़ते हैं। हम यहाँ पर बेनिफिशरी वाले पर क्लिक करेंगे और जैसा कि यहाँ पर ग्रोथ मॉनिटरिंग हम बच्चों का करते हैं तो उसके ऊपर हम यहाँ पर किसी एक बच्चे की कैटेगरी को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर जो 3 डॉट है इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद नीचे देख पाएंगे कि एक ऑप्शन को ऐड किया गया है, ग्रोथ हिस्ट्री। तो सिंपली हम इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो ये जो ऑप्शन बढ़ाया गया है, इस ऑप्शन को बढ़ाने से जो आप लोगों के बच्चों की कैटेगरी है यानी जो भी बच्चों को आपने रजिस्ट्रेशन किया है उन बच्चों का 3 मंथ का हिस्ट्री आप चेक कर पाएंगे कि 3 मंथ में उस बच्चे का क्या हेल्थ स्टेटस रहा है। जैसे कि यहाँ पर हेल्थ स्टेटस दिखा रहा है, यहाँ पर सेंटीमीटर हाइट वेट दिखा रहा है, यहाँ पर डेट दिखा रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे बच्चों की हिस्ट्री चेक किया जा सकता है कि जो भी बच्चे हैं उनका हेल्थ स्टेटस क्या है। ठीक है, तो ये पहला अपडेट आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे फिर आएंगे, दूसरे अपडेट की ओर बढ़ेंगे। जो दूसरा अपडेट है वो आप लोगों का एम्पियर डाटा से रिलेटेड है। तो एम्पियर डाटा के लिए आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पर जो होम पेज है, होम पेज के ऊपर यहाँ पर आपको एक एम्पियर का फाइल बना हुआ दिखेगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे इस अपडेट के बाद ये जो ऑप्शन है थोड़ा सा चेंज हो चुका है। यहाँ पे आप लोग डाटा का जो ऑप्शन है वो आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये बेनिफिशरीज का जो भी डाटा है वो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे डाटा वाले पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कि कौन से लाभार्थी एक्टिव है, कौन से लाभार्थी डीएक्टिव है, वो सभी चीज़ें आप लोग यहाँ पर चेक कर पाएंगे।
और अगर कोई भी न्यू रजिस्ट्रेशन हुआ है तो यहाँ पे आप लोगों को जो नो दिखा रहा है वो यहाँ पे यस देखने को मिलेगा और यहाँ पे इनएक्टिव और एक्टिव देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से एमपीआर वाले डाटा में भी आप लोगों को थोड़ा सा चेंज किया गया है। और जैसे कि होम विजिट वाले को भी चेक करना है तो होम विजिट पे आप लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे डाटा पे क्लिक करेंगे तो जो आप लोगों का इस मंथ जो होम विजिट छूटा हुआ है, आपने किस किस को यहाँ पे होम विजिट छोड़ दिया है, वो आप लोग यहाँ पे इसका हिस्ट्री देख पाएंगे। यहाँ पे आप मंथ भी चेक करवाएंगे कि होम विजिट हम किस महीने में कितने लाभार्थी को छोड़ दिए हैं। तो इस प्रकार से ये न्यू अपडेट में ये सारी बदलाव आप लोग देख पा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे ग्रोथ मॉनिटरिंग है, जैसे कि ग्रोथ मॉनिटरिंग भी आपको चेक करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कि अभी ग्रोथ मॉनिटरिंग का कोई हिस्ट्री अभी नहीं दिखा रहा है, क्योंकि अभी जो बिहार में आंगनबाड़ी केंद्र बंद है तो यहाँ पे अभी ग्रोथ मॉनिटरिंग से रिलेटेड कोई भी काम नहीं हो रहा है, पोषण ट्रैकर ऐप से रिलेटेड कोई भी काम नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर जो दूसरा अपडेट है यहाँ पर आप लोग समझ गए हैं। अब चलिए बढ़ते हैं हम तीसरे अपडेट की ओर। तीसरा जो अपडेट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। जैसे कि आप पोषण ट्रैकर ऐप में अब फ़ोटो भी ऐड कर सकते हैं, मतलब फ़ोटो भी अपलोड कर सकते हैं। जो भी आप अपने आंगनबाड़ी केंद्र पे कोई एक्टिविटी करेंगे उसका फ़ोटो आप लोगों को अपलोड करना है तो उसके लिए क्या करना है कि यहाँ पे जो डेली ट्रैकिंग का ऑप्शन दिख रहा है इस पर सिंपली आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको फ़ोटो अपलोड कर देना है। तो चलिए यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जैसे कि अभी हमारा पोषण ट्रैकर ऐप जो है वो क्लोज दिखा रहा है। अगर आप पोषण ट्रैकर ऐप को ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को ओपन करने का एक ऑप्शन जो मिलता है वहाँ से ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके नीचे आप लोगों को एक फ़ोटो का जो ऑप्शन है वो खुल के आ जाएगा, वहाँ से आप लोगों को फ़ोटो अपलोड कर लेनी है। जो भी आप लोग एक्टिविटी करेंगे उस फ़ोटो को वहाँ पर क्लिक करेंगे और नीचे सबमिट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, वहाँ पर उसको सबमिट कर देंगे। फिलहाल के लिए आप लोग समझ जाइए कि इस प्रकार से आप लोगों को फ़ोटो अपलोड करनी है। उसके बाद यहाँ पे हम बढ़ेंगे चौथे अपडेट की ओर। जो चौथा अपडेट है वो आप लोगों का बेनिफिशरी का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके आपको दिखाएंगे। जैसे कि यहाँ पे बेनिफिशरीज में जो लैक्टेटिंग मदर और 0 से 6 मंथ के बच्चे हैं इनमें जो जन्म तिथि और प्रसव की तिथि है उससे आप लोगों को 177 दिन के अंदर आप लोगों को ऐड करने का जो ऑप्शन है वो दिया गया है। यानी 177 दिन के अंदर जो भी लैक्टेटिंग मदर है या जो भी बच्चे हैं उनको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से चौथा अपडेट हो गया। और जो बाकी रहा पांचवा और छठा अपडेट, तो जो पांचवा और छठा अपडेट है वो ऐप ऑप्टिमाइजेशन और हॉट फिक्स के नाम से जो आया हुआ है वो पोषण ट्रैकर ऐप में हर वक्त आते रहता है। जो कि पोषण ट्रैकर ऐप से रिलेटेड कोई इशू होता है उसको वहाँ पर ठीक किया जाता है। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को और भी आंगनबाड़ी बहनों तक शेयर कर दीजिएगा। यदि पोषण ट्रैकर ऐप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी आंगनबाड़ी सेविका बहनों का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।